हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चाहे सरकार हो, धर्मगुरु हो, पुलिस हो या फिर प्रशासन, जब से लॉकडाउन हुआ है ये सब मिलकर क्या कह रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना के योद्धाओं का जांच में सहयोग कीजिए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही। मुरादाबाद में कल कुछ लोगों ने मेडिकल और पुलिस टीम पर पत्थर बरसाए, ये हम सब लोगों ने देखा। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज सलमान खान ने ऐसे ही लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। सलमान इस वीडियो में रियल दबंग दिखे हैं। पत्थर फेंकने वाले लोगों को उन्होंने डांटा, समझाया, ऐसी हरकतें करते रहने पर समाज के लिए उन्हें खतरा बताया। सलमान खान की ये रियल पिक्चर आज प्राइम टाइम की खबर है, जिसे पूरे देश को देखना चाहिए। दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। अपने परिवार वालों को कांधा दोगे? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। जो व्यक्ति अपने घरों से बाहर अन्य से नहीं पाया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सलमान जिसे जोकर कह रहे हैं वो ये लोग। ये मुरादाबाद के नवाबपुरा की तस्वीर है। सलमान जिसे जोकर कह रहे हैं वो ये लोग हैं। ये इंदौर के ताटपट्टी की तस्वीर है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर सलमान खान का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। सलमान खान जिन्हें ट्विटर पर 4 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पर 4 करोड़ 23 लाख लोग पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पर उनके 3 करोड़ 17 लाख फॉलोवर्स हैं और उनके फैन उन्हें भाईजान कहकर बुलाते हैं। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। इतने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कांधा दोगे, उनकी अति उठाओगे? इतना जिगर है आपका? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्न इल्ला है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? खौफ से जब पूरी दुनिया का खून सूख गया है, उस वक्त उसी खौफ के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वालों ने लड़ाई छेड़ी हुई है, मगर कुछ लोग उन पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये देखकर सलमान के सब्र का बांध टूट गया। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र, कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो, भाग। मरना तो एक दिन सबको है,
लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? लॉकडाउन तोड़ने वालों को, पत्थर बरसाने वालों को, नियम का उल्लंघन करने वालों को सलमान ने बताया कि उनके साथ क्या हो सकता है। डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो, पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका, रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। पहले इंदौर, फिर पटियाला, फिर औरंगाबाद और अब मुरादाबाद, इन घटनाओं ने कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई को कमजोर किया है। ऐसे हमले फिर न हो, इसलिए मुरादाबाद के हमलावरों पर योगी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है। मुरादाबाद की घटना के बाद कल रात में ही 17 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं, एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उन पर NSA की कार्रवाई के साथ साथ IPC की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई, और जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से जुड़े, उनसे भी इन हमलों पर सवाल किया गया। कि भारत के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें उनके पास जब पुलिस जाती है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, नर्सेस की टीम जाती है टेस्टिंग के लिए, वो उन पे पथराव करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जब उनके पास आए टेस्टिंग के लिए वो बिल्कुल डरे नहीं, उनको टेस्टिंग का मौका दें? बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा, जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हिंसा करने वालों को यह समझना होगा कि स्वास्थ्य कर्मियों से सहयोग करेंगे तभी कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा न करने वाले खुद के नहीं बल्कि दूसरों की जान के दुश्मन हैं। तो सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो देश के पसंदीदा अभिनेता क्यों हैं, क्योंकि वो गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं, और यही वजह है कि वो बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अलग है। उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बाकी लोग भी इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखेंगे, खासतौर पर वो सारे जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर अपनी बात रखते आए हैं लेकिन इस मुद्दे पर गलत को गलत कहने से डर रहे हैं। और अगर इसे गलत नहीं कहा गया तो आगे किसी मुद्दे पर वो सवाल कैसे पूछ पाएंगे, ये खुद से पूछे। वो आज का मास्टर स्ट्रोक सलमान के एक मशहूर डायलॉग से मिलता जुलता है। सलमान दिल में भी आते हैं और दिमाग पर भी छाते हैं।